हे गाइस हाउ आर यू ऑल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लॉ स्कूल को इन डिटेल में चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल लॉ के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करें कि नेचुरल लॉ स्कूल क्या है बेसिक टीनिस क्या है नेचुरल लॉ स्कूल के यानी कि कौन कौन से सिद्धांत है नेचुरल लॉ के उसके बाद में हम इसके फोर फेजेस को हैं वो डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉ के या फिर हम उसे कहें हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ क्या है या फिर कहें थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल क्या है या फिर पीरियड कौन कौन से हैं नेचुरल लॉ स्कूल के अलग अलग जुरिस्ट के द्वारा तो जैसे कि यहाँ पर जो चार फेज दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं पहला है एंसियट पीरियड दूसरा कौन सा है मिडवेल -well पीरियड थर्ड पीरियड कौन सा है रेनाइंस पीरियड और फोर्थ आता है मॉडर्न पीरियड यानी कि ये जो चारों के चारों पीरियड हैं इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि नेचुरल लॉ स्कूल की हिस्ट्री क्या है नेचुरल लॉ स्कूल की थ्योरी कौन कौन से इनको थ्योरी भी कहा जाता है तो इन पीरियड के अंदर अलग अलग जुरिस्ट ने अपने कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे वो नेचुरल लॉ के बारे में क्या क्या अपनी धारणाएं रखते थे क्या कहते थे वो नेचुरल लॉ को वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत बोले और आई बटन में जा करके आप यहाँ पर जुरिस की जो प्ले है वो एक्सेस कर सकते हैं या फिर चैनल के प्ले सेक्शन में जा करके भी आप जूडि की फुल प्ले है वो एक्सेस कर सकते हैं जिसमें सभी वीडियो हैं टाइम टू टाइम अपलोड की जा रही हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल क्या है तो यहाँ पर नेचुरल लॉ स्कूल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल को किस किस नामों से जाना जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे नेचुरल लॉ को है क्या कह सकते हैं हायर लॉ कह सकते हैं नेचुरल लॉ को लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है डिवाइन लॉ कहा जाता है मोरल लॉ कहा जाता है अनरिटन लॉ कहा जाता है या फिर लॉ ऑफ गॉड कहा जाता है तो यहाँ पर नेचुरल लॉ को इन अलग अलग नामों से जाना जाता है तो यानी कि अगर इनमें से आपसे कोई भी नाम पूछा जाए तो समझ लेना कि वो नेचुरल लॉ की ही बात हो रही है उसके बाद में आता है जैसा कि जो बहुत सारे जूरिस्ट है अलग अलग उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है एसेंशली किस तौर से एक ए, अजरेशन ऑफ फेथ के तौर पर इसके स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू में तो यहाँ पर अजरेशन ऑफ फेथ के आधार पर एक जूरिस्ट हैं जुरिस्ट कौन है जे स्टोन उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है नेचुरल लॉ स्कूल की वो क्या वो यहाँ पर नेचुरल लॉ के बारे में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि नेचुरल लॉ है वो एक अजन ऑफ फेथ रादर दैन द डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है ये एक फेथ है एक दावा है न कि कोई प्रमाणिकता है इसके कुछ डायलैक्टिकल वेपन्स भी बताए हैं उन्होंने जो कि कैसे हैं राइट रीजन है कोई नेचर है विद द अपेंडिज रैशनल नेचर है ने स्टेट ऑफ नेचर है कन्फॉर्मिटी विद द नेचर है ये सारी चीज़ें हम आगे अलग अलग टूरिस्ट ने जैसे जैसे कही हैं वैसे वैसे स्टेट ऑफ नेचर क्या है वो डिस्कस करेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा यहाँ पे सोशल एबिलिटी है एंड द लाइक इसी तरह से कुछ और हैं जैसे कि कंसाइंस ऑफ ऑल मैन काइंड सभी जो मानव जाति हैं उनकी सहमति है किसी लॉ के प्रति या कोई रूल्स हैं उसे हम नेचुरल लॉ कहते हैं वो एक तरह का दावा हो गया या फिर कुछ असेंशियल पार्ट ऑफ मेन काइंड है वो भी यहाँ पर है या फिर डिवाइन विल है तो ये यहाँ पर नेचुरल लॉ के कुछ वेपन बताए गए हैं जे स्टोन के द्वारा आई होप कि ये जो जे स्टोन के द्वारा कही गई कुछ वर्ड हैं वो आपको समझ में आए होंगे कि नेचुरल लॉ के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं इसके अलावा हम देख लें कि नेचुरल लॉ है वो क्या है ये क्या है एक बॉडी ऑफ लॉ है ठीक है जो कि ड्राइव करती है अपनी फोर्स कहाँ से फ्रॉम दी नेचर से ठीक उसके बाद में नेचर से अपनी लॉ फोर्स बाइंड करती है लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है बाइंडिंग है किन के ऊपर यानी कि सभी मानव जाति के ऊपर ये है जो नेचुरल लो वो क्या है एक तरह से बाइंडिंग है यहाँ पर आप मैन काइंड क्या कहें या फिर कहें ह्यूमन बींग्स आई होप कि आपको जो ये राइटिंग है वो समझ में आ रही होगी थोड़ी सी की राइटिंग खराब सी है तो इसे थोड़ा प्लीज मैनेज करें उसके बाद में हम अगर कॉमन सेंस में बात करें को, तो ये क्या है एक नेचुरल लॉ है एक लार्जली अनरिटर्न लॉ है और इसमें कंसिस्ट क्या क्या चीजें होती हैं एक प्रिंसिपल होते हैं जो कि रिवेल क्या करते हैं ह्यूमन नेचर को रीजन को एंड ड्राइव क्या करते हैं जो कि और ड्राइव हैं जो कि फ्रॉम गॉड ये है नेचुरल लॉ की एक बेसिक सा मीनिंग यानी कि एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि नेचर उसे अपनी बाइंडिंग फोर्स से ड्राइव करती है जो कि ऑल मेन काइंड या ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल है ये एक अनरिटन लॉ है प्रिंसिपल कौन कौन से हैं ह्यूमन नेचर के बारे में रीजन के बारे में है या फिर कुछ रीजन जो कि ड्राइव करते हैं फ्रॉम दी गोड इस तरह से कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर नेचुरल लॉ के बारे में कहे गए हैं उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग जूरिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर नेचुरल लॉ के बारे में या नेचुरल लॉ का जो ये मीनिंग है या टर्म है नेचुरल लॉ उसको क्या क्या जो मीनिंग है वो असाइन किए हैं तो सबसे पहले जुरिस्ट आते हैं स्टोइक उन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में क्या कहा है कि ये एक डिवाइन लॉ है यानी कि जस डिवेंडम जो कि क्या कहता है कमांड ऑफ गॉड है कमांड ऑफ गॉड के तौर पर माना गया इसको जो कि किसके ऊपर है ऑल द मैन है उनके ऊपर क्या है ये इम्पोज की जाती है तो यहाँ पर डिवाइन लॉ के तौर पर स्टोइक ने इसको बोला है उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सिसरो सिसरो ने जो नेचुरल लॉ को क्या कहा है सिसरो ने इसे कहा है लॉ ऑफ रीजन रीजन के तौर पर यहाँ पर नेचुरल लॉ को है सिसरो ने डिफाइन किया है यहाँ पर रीजन कौन कौन से हैं रीजन वो है जिनके द्वारा ये जो वर्ल्ड है वो क्या होता है गवर्न किया जाता है और यहाँ पर जो रीजन होते हैं वो कौन से रीजन होते हैं रैशनल रीजन ठीक है आई होप कि आपको ये जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है रैशनल रीजन हो गया रीजन जो कि एक वर्ल्ड वर्ल्ड है उसको गवर्न कर रहा है वो वाले रीजन उसके बाद में नेक्स्ट जूरिस्ट आते हैं एरिस्टोटल एंड थमेसियस इन्होंने जो नेचुरल लॉ है उसको क्या कहा है अनरिटन लॉ या फिर जो अनरिटन लॉ यानी कि जस्ट नॉन स्क्रिप्टम यानी कि जो लॉ है वो लिखा हुआ नहीं है जस्ट नेचर से निकल के आ रहा है उसको एज इट इज़ लोग हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर अनरिटन uh, लॉ कहा गया है उसके अलावा यहाँ पे हुक्स आते हैं जूरिस्ट उन्होंने इस लॉ को नेचुरल लॉ को एक इटरनल लॉ कहा है इटर्नल लॉ का मतलब क्या है कि यानी कि जब से ये जो वर्ल्ड है यानी कि ये संसार है जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से ये जो लॉ है वो यहाँ पर एग्जिस्ट है तब से ये लॉ क्या है यहाँ पर एग्जिस्ट है ये क्या है अनक्रिएटेड है यानी कि किसी के द्वारा ये क्रिएट नहीं किया गया है कुछ इस तरह से यहाँ पर हुक्स नहीं है जो नेचुरल लॉ को डिफ़ाइन किया है नेचुरल लॉ जो वर्ड है उसको एक मीनिंग दिया है जबकि यहाँ पर जो मॉडर्न टाइम के जो जूरिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसको प्रिंसिपल ऑफ मॉरेलीटी कहा है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉरिटी के तौर पर जो मॉडर्न आज के जुरिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है आई होप कि आपको जो अलग अलग जुरिस्ट के द्वारा जो नेचुरल लॉ को जो अलग अलग मीनिंग है जो असाइन किए गए हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा इनको आप याद कर सकते हैं ये यहाँ पर शॉर्ट जब भी एम आते हैं उनके अंदर पूछे जा सकते हैं कि कौन से जुरिस्ट ने नेचुरल लॉ को क्या कहा है तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक टेनेंट्स ऑफ दिस स्कूल यानी कि इस स्कूल के बेसिक टेनेंट्स क्या है क्या सिद्धांत हैं नेचुरल लॉ स्कूल के उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्या कहता है बेसिक टेनेंट में पहला पहला क्या है कि ये लॉ है वो रिलेटेड टू द जस्टिस रीज़न ह्यूमन नेचर एंड एथिक्स के बारे में यानी कि जस्टिस क्या है वो नेचुरल लॉ बताता है रीजन क्या है इस वर्ड को चलाने के पीछे कि ह्यूमन नेचर किस तरह से एथिक क्या है उनके आधार पर उन सिद्धांतों के आधार पर यह नेचुरल लॉ रिलेट करता है उसके बाद में आते हैं रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एमिनेट है जो कि फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल मैन एवरीवेयर यानी कि ये रूल हैं जो नेचुरल लॉ के हैं ह्यूमन कंडक्ट के वो एक सुप्रीम अथॉरिटी से एमिनेट हुए हैं लिए गए हैं यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी इस किस किस को कहा जा सकता है जैसे कि सोवरन कहते हैं ऑस्टिन कुछ कहते हैं गॉड सुप्रीम अथॉरिटी है उस आधार पर हम इसे कह सकते हैं और ये बाइंडिंग है हर एक व्यक्ति के ऊपर एनी चाहे वो कहीं पर भी हो उसके बाद में आता है नेचुरल लॉ इज़ अपोज है टू द रिटर्न लॉ यानी कि रिटर्न लॉ के ख़िलाफ़ है ये एक अनरिटर्न लॉ माना गया है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था यानी कि यहाँ पर नेचुरल लॉ है यानी कि फॉर्मर वो क्या है एक वाइज बुद्धि मान, माना गया है उसे और लेटर क्या है एक आर्बिट्रेरी यानी कि रिटर्न लॉ है, है उसे आर्बिट्रेरी माना गया है उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेचुरल लॉ इज़ एन ऑर्डर ऑफ थिंग ये ऑर्डर ऑफ थिंग ऑर्डर में जो थिंग्स जैसे नेचर के द्वारा बनाई गई हैं वैसे की वैसे हैं और ये डिमांड क्या करती है इक्वलिटी फॉर ऑल मैन सभी के लिए इक्वलिटी डिमांड करती है उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल ऑफ लॉ है वो कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायरी मेथड यहाँ पर प्रायरी मेथड के आधार से यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है उसको स्टडी किया जा सकता है नेचुरल लॉ में यानी कि एक्सेप्ट ए थिंग विदाउट एन इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी भी चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करना बिना किसी इंक्वायरी के या ऑब्जर्वेशन के तो ये है यहाँ पर कुछ बेसिक टीन एंड कुछ नेचुरल लॉ के सिद्धांत थे यहाँ पर इस स्कूल के नेचुरल लॉ स्कूल के आई होप कि आपको जो ये सिद्धांत है वो समझ में आ गएंगे अब इसके बाद में देखते हैं फोर फेजेस ऑफ़ नेचुरल लॉ यानी कि नेचुरल लॉ के फोर फेजेस यानी कि उसे कहें या फिर हम कहें उसकी नेचुरल लॉ स्कूल की हिस्ट्री या फिर कहें थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल की कौन कौन सी थ्योरी हैं या फिर कहें पीरियड कौन कौन से हैं नेचुरल लॉ स्कूल के तो वो हैं कौन कौन से हैं फर्स्ट आता है एनशियट पीरियड सेकंड आता है मिडवेल पीरियड थर्ड आता है रिलायंस पीरियड और फोर्थ आता है मॉडर्न पीरियड यानी कि यहाँ पर किस तरह से एनशियट टाइम से लेकर के आज के टाइम तक जो नेचुरल लॉ ने ग्रोथ की है उसको यहाँ पर डिस्कस किया है इसके बीच में कौन कौन से जूरिस्ट आते हैं उन्होंने अपनी कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है यानी कि प्राचीन टाइम में किस तरह से था नेचुरल लो फिर मिडवल टाइम में कैसे था फिर एक आता है सुधार का टाइम यानी कि रेनाइंस पीरियड जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट न्यू न्यू आइडियाज आए थे उस टाइम क्या था नेचुरल लॉ और मॉडर्न टाइम में आज क्या है नेचुरल लॉ ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं अब हम बात करते हैं एंशेंट पीरियड की एंशेंट पीरियड में हम सबसे पहले देखें ग्रीस की ग्रीस में यानी कि ग्रीक्स ग्रीक थिंकर हैं वो क्या कहते हैं नेचुरल लॉ के बारे में ये क्या थे नेचुरल लॉ है उसके क्या हैं फर्स्ट प्रोपाउंडर हैं नेचुरल लॉ थ प्रिंसिपल है उसके इन्होंने है जो नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले डेवलप uh, किया था इन्होंने है जो एक यूनिवर्सल लॉ का जो कंसेप्शन है यहाँ पर दिया है जो कि ऑल मैन काइंड के लिए है इसमें ये कहते हैं क्या कहते हैं कि ये इस कंसेप्ट के अंदर यूनिवर्सल लॉ के अंदर जितने भी मैन काइंड है वो क्या हैं इक्वल हैं एंड ये लो है जो सबके ऊपर क्या होगा बाइंडिंग होगा ऑन दी ऑल पीपल यानी कि सभी लोगों के ऊपर है जो ये लो है वो बाइंड होगा तो यहाँ पर जो ग्रीस है वो स्ट्रेस करते हैं एक इंडिविजुअल वर्थ या मोरल ड्यूटी या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं यानी कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक लॉ की यानी कि नेचुरल लॉ की यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वहीं पर यहाँ पर देखते हैं आगे कौन कौन से जो अलग अलग जुरिस्ट है उन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं इनके बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं सोक्रेटिस के बारे में सोक्रेटिस क्या कहते हैं सोक्रेटिस यहाँ पर ह्यूमन इंसाइट है उनके उसके बारे में बताते हैं यानी कि ह्यूमन इंसाइट यानी कि पॉजिटिव लॉ है टू बी ओवेड यहाँ पर सोक्रेटिस क्या कहते हैं कि जिस तरह से नेचुरल फिजिकल लॉ है उसी तरह से यहाँ पर नेचुरल मॉरल लॉ भी है ठीक और यहाँ पर जो ह्यूमन इंसाइट से क्या मतलब है यहाँ पे ह्यूमन इंसाइट का मतलब है कि जो एक रिवेल करे क्या रिवेल करे गुडनेस या फिर बैडनेस ऑफ द थिंग्स नेक्स्ट दूरिस्ट की बात करें प्लूटो तो प्लूटो ने क्या किया है प्लूटो ने जो ये सोक्रेटिस की है, जो थ्योरी है उसको ही यहाँ पर सपोर्ट किया है प्लूटो कौन था प्लूटो सोक्रेटिस का ही एक शिष्य था तो इसने ये सेम थ्योरी है वो सपोर्ट की है यानी कि इंसाइट वाली उसके बाद में नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल एरिस्टोटल क्या कहते हैं यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि मैन पार्ट ऑफ ए नेचर इन टू वे मैन क्या है दो वे से पार्ट है और क्या कहता है कि मैन का मैन का जो रीज़न है वो क्या है द बेस बेसिस है और एक डिफिशियंट लॉ है वो भी यहाँ पर वो कहता है कि वो ओबे किया जाना चाहिए तो ये यहाँ पे दो तरह से जो टू पार्ट में दो वे में अगर हम नेचर का पार्ट मानते हैं एक ह्यूमन को यानी कि मैन को तो वो किस तरह से है वो क्या है कि एक तो है ही इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिएचर ऑफ़ गॉड गॉड की क्रिएचर है उसका ही एक हिस्सा है दूसरा वो किस तरह से मानता है उसे कि ही पोजेस द एक्टिव रीजन बाय विज ही कैन शेप हिज विल यानी कि उसके पास एक एक्टिव रीजन है जिसके द्वारा वो अपनी विल है यानी कि अपनी इच्छाएं हैं उनको क्या कर सकता है सेव कर सकता है तो इस तरीके से वो एक पार्ट है नेचर का इन दो तरीक़ों से ठीक है ये यह यहाँ पर एरिस्टोटल कहता है अब बात करते हैं हम रोम की यानी कि रोमन जो पीरियड था उस टाइम है जो नेचुरल लॉ को क्या कहा गया है तो इसमें सबसे पहले जो जुरिस्ट आते हैं वो आते हैं स्टोइक स्टोइक क्या कहते हैं नेचुरल लॉ के बारे में कि मैन का जो रीज़न है वो ही यहाँ पर बेस है एक तरह से वही बेसिस है रोम के अंदर क्या है कि स्टोइक ने एक बिल्ड किया थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल बट ट्रांसफॉर्म करता है उसको इंटू एन एथिकल थ्योरी के अंदर उसके अनुसार क्या है कि जो इंटायर यूनिवर्सल है वो क्या है गवर्न की जाती है किसके द्वारा बाय द रीज़न यहाँ पर रीजन के द्वारा वो क्या है गवर्न की जाती है जो किसी भी व्यक्ति का रीजन है वो क्या है एक पार्ट है ऑफ यूनिवर्सल रीजन यानी कि यूनिवर्सल जो रीजन है उसका क्या है ये एक पार्ट है आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी इसीलिए जब वो क्या है कि एक तरह से लीव करता है यानी कि जीवित है किस तरह से अकॉर्डिंग टू दी रीजन यानी कि रीजन से जब वो रीजन के अकॉर्डिंग जीवित रहता है यानि कि अपनी लाइफ जीता है तब उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो लाइफ किस तरह से करा है अकॉर्डिंग टू दी नेचर और नेचुरली यानी कि वो नेचुरली जी रहा है एक तरह से तो ये यहाँ पर सोक्रेटिस के कुछ व्यू हैं तो अब क्या है कि जो इस थ्योरी का इन्फ्लुएंस क्या था कि इस थ्योरी का इन्फ्लुएंस ये था कि जब नेचुरल लॉ के यहाँ पर डेवलपमेंट हुई थी रोम के अंदर तो उस तरह से इस थ्योरी ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था यानी कि नेचुरल लॉ के अंदर हेल्प की थी उसके डेवलपमेंट के अंदर अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जो नेचुरल लो लॉ ऑफ रोम है उसको यहाँ पर कुछ तीन तरह की डिवीजन की गई है यहाँ पर कौन कौन सी डिवीज़न की गई है वो यहाँ पर देखते हैं पहली क्या है जस्ट सिविले सेकेंड है जस्ट जेनेटम थर्ड कौन सी है जस्ट नेचुरली। इन तीन डिवीजन के अंदर लॉ ऑफ रोम को यहाँ पर डिवाइड किया गया है तो ये देखते हैं कि तीनों की तीनों इन टर्म का मीनिंग क्या है ये क्या चीज़ है तो सबसे पहले जस्ट सिविल है देखते हैं कि ये क्या है एक तरह से सिविल लॉ है जो कि ओनली फॉर द रोमन सिटीजन के लिए है और ये जो लॉ है लीगल वैलिडिटी है इसकी यानी कि इसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है तो ये सिविल लॉ जो कि ओनली सिटीजन के लिए है उसके बाद में होता है जस्ट जेनिटम जस्ट जेनेटम क्या है ये एक पॉजिटिव लॉ है उसका एक तरह से पार्ट है और ये जो जस्ट जेनेटम का कंसेप्ट है ये वाइडर है जस्ट सिविले से यानी कि जो जस्ट सिविल लॉ है उससे थोड़ा सा का वाइडर कंसेप्ट है और इसकी भी लीगल वैलिडिटी है और तीसरे प्रकार का आता है जस्ट नेचुर यानी कि इसका मतलब है लॉ ऑफ नेचर लॉ ऑफ नेचर कौन सा ये है जो फाउंडेशन है इन दोनों लॉ की यानी कि जस्ट सिविले और जस्ट जेनेटम है इन दोनों की फाउंडेशन है और ये जो है इसके अंदर कोर्ट में कोई भी किसी भी तरह की एनफोर्समेंट नहीं है इस लॉ की ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं पर भी ओबे नहीं किया जाता ये एक नेचुरल लॉ है लॉ ऑफ नेचर है तो ये है जो अलग अलग जुर्स के आधार पर इसको फॉलो किया जाता है जैसे कि इंसाइट है सोक्रटिस का पीपल है वो अपने इंसाइट से ही खुद ब खुद फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर लीगल फोर्स का होना कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा लीगल फोर्स होना नेसेसरी नहीं है तो ये थे तीन तरह के जो डिवीजन थे लॉ ऑफ रोंग के आई होप ये तीनों डिवीजन आपको समझ में आ गए होंगे इसके अब क्या है कि जो जस्ट जेनेटम है और जस्ट नेचुर हैं जस्ट जेनेटम है और जस्ट नेचुर हैं वो क्या है बेस्ड है ऑन ह्यूमन नेचर रीजन एंड मॉरेटी के ऊपर यानी कि ह्यूमन नेचर क्या है रीज़न क्या है मॉरलिटी क्या है उनके ऊपर बेच हैं ये दोनों ये दोनों लॉ हैं जो और इनकी जो वाइडर एप्लीकेशन है वो क्या है मैन काइंड के ऊपर यानी कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर मैन काइंड के ऊपर अप्लाई होते हैं तो ये हो गया यहाँ पर लॉ ऑफ रोम का अब देखते हैं कि जो एनशेंट पीरियड के अंदर जो इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन थी तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो ये मोस्ट एनशियट लीगल सिस्टम है ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर क्या है कि एक ला बॉडी ऑफ लॉ है वो वेरी एकदम लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत ही अर्लियर टाइम के अंदर ही डेवलप्ड की जा चुकी है हो चुकी थी और यहाँ पर क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड यानी कि यहाँ पर गॉड के एग्जिस्टेंस के थ्रू ही यहाँ पर लॉ को माना जाता है लॉ यहाँ पर है जो किन किन के द्वारा दिया गया है वो श्रुति वेदा स्मृति या पुरान इन इन सोर्सेस से हमें लॉ है जो मिलता है यानी कि इन सभी ने हमें लॉ प्रोवाइड किया है फ्रॉम देंशियंट टाइम एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम से अब हम देखते हैं मिडवल पीरियड यानी कि मिडवल पीरियड के अंदर क्या कुछ नेचुरल लॉ के बारे में कहा गया है तो यहां पर क्या है मिडवल पीरियड के अंदर क्रिस्टेनियन फादर्स थे उन्होंने यहाँ पर नेचुरल लॉ को कुछ डिफाइन किया है इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एक्वेनस उन्होंने यहाँ पर चर्च को एज ए लॉ गिवर के तौर पर माना है ठीक है चर्च यहाँ पर लॉग यूर के तौर पे है यहाँ पर क्या है कि कैथोलिक फिलोसफर थे और कौन थे थियोलॉजियंस थे उन्होंने यहाँ पर एक नई थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ की दी है ठीक है और ये जो नेचुरल लॉ की थ्योरी है वो किस बेसिस पे है थियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर है और इनका जो व्यू है पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द नेचुरल लॉ वो क्या है एक सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे में है बहुत ही सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल है और यहाँ पर ये जो थ्योरी जूरिस्ट हैं इन्होंने क्या किया है कि जो लॉ है उसको डिवाइड किया है इंटू दि फोर पार्ट के अंदर फोर पार्ट कौन कौन से हैं फर्स्ट आता है कि लॉ ऑफ गोड सेकंड ये डिवाइड करते हैं नेचुरल लॉ के तौर पर जो कि रिवेल्ड होता है थ्रू दैनस रीजन उसके बाद में थर्ड आता है लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स यानी कि डिवाइन लॉ डिवाइन लॉ की यहाँ पर बात होती है उसके बाद में आता है ह्यूमन लॉ तो इस तरह से जो लॉ है उसको यहाँ पर चार भागों में डिवाइड किया गया है अब देखते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो क्या है एक पार्ट है ऑफ द डिवाइन डिवाइन लो, लॉ लॉ का ही एक पार्ट है जो कि रिवेल होता है फ्रॉम द नेचुरल रीजन से एंड ये जो पार्ट है वो अप्लाइड है बाय द ह्यूमन बीइंग किस लिए टू तो गवर्न देयर अफेयर्स एंड रिलेशन की अफेयर्स और रिलेशन उनको गवर्न करने के लिए ये पार्ट है जो उनके द्वारा अप्लाइड किया जाता है ह्यूमन लॉ और जो पॉजिटिव लॉ है उनको है जो यहाँ पर कहा गया है कि उनको अपने जो लिमिट है इस पार्ट के अंदर उसी के अंदर रहना चाहिए और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पॉजिटिव लॉ की वैलिडिटी है वो किस एक्सटेंड तक है ओनली उस एक्सटेंड तक है जहां तक जो नेचुरल लॉ के साथ में ये क्या है कम्पिटेबल है ठीक है और यहाँ पर क्या है कि जो चर्च है उनको यहाँ पर अथोरिटेटिव इंटरप्रेटर माना है लॉ का इन सबसे के अंदर अब आता है रिनेशंस पीरियड इसमें क्या कुछ कहा गया है इसमें क्या है कि जो रेशनलिज्म एंड अदर नए आइडियाज़ हैं या डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पर सामने उभर के आने लगी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर यहाँ पर नई नई ब्रांचेज है नॉलेज की डिस्कवरी हुई हैं अलग अलग साइंस की डिस्कवरीज़ हुई हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको एक तरह से सोशल रिफॉर्म भी कह सकते हैं इस पीरियड के अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी गई है सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जब आप फोर्टीन सेंचुरी है उससे पहले जो मैन है वो लिव क्या करता था इन न्यूट्रल स्टेट्स उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर उस टाइम ना कोई गवर्नमेंट थी ना ही कोई लॉ था उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर कुछ एक ऑपरेशन हार्डशिप वगैरह हुई उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स uh, हैं वो ऑपरेशन uh, में आने लगे प्रोटेक्शन ऑफ द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए तो वहाँ पर एक एक तरह से सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर कुछ एक लॉज हैं वो बनने लगे तो इस तरह से धीरे धीरे एक सोसाइटी का यहाँ पर निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो ग्रोटियस हैं उन्होंने जो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस पे बनाई है उनका व्यू क्या है कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो क्या है रेस्ट क्या करती है ऑन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट

ग्रोटियस के द्वारा डिफाइन किया गया है और यहाँ पर जो है ग्रोटियस है उन्होंने क्या है एक इंटरनेशनल लॉ की है फाउंडेशन है वो यहाँ पर क्या की है डाउन की है ठीक है और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के आधार पर कुछ नंबर ऑफ प्रिंसिपल है वो डिडक्ट किए हैं वो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कौन से हैं फर्स्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है इक्वल है सेकंड है कि गवर्नमेंट है जो अपने फॉरेन रिलेशन के अंदर वो परफेक्टली फ्री है थर्ड इनका प्रिंसिपल क्या है कि जो प्रमिज है बिटवीन गवर्नमेंट्स के अंदर बनाए गए के या जो भी है, वो क्या है, के है क्यों, क्यों है, वो के? के जो है उनको करने के लिए वहां पर एक प्रोमिस है तो ये यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रेक्ट की थ्योरी पर ग्रोटियस ने है जो ए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए है अब देखते हैं कि थॉमस होब्स क्या कहते हैं थॉमस होब्स हैं उन्होंने भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके साथ में प्रोसीड किया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उससे पहले जो मैन है वो कहा लीड करता था वो करता था इन सोसाइटी स्टेट के अंदर ठीक है उसके अनुसार क्या है कि मैन की जो लाइफ है इन स्टेट ऑफ ऑफ नेचर के अंदर क्या थी वन द फियर एंड सेल्फ सेल्फिशनेस यानी कि वो एक फीयर से बिहेवियर सेल्फिशनेस मानी है यहाँ पर जो कि क्या थी एक सोलिटरी पुअर नेस्टी ब्रस्टी एंड शोर्ट इस तरह से यहाँ पर कुछ है जो मैन की लाइफ को है जो थॉमस होब्स ने यहाँ पर कहा है और जो यहाँ पर जो उसके अकॉर्डिंग जो आइडिया ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है एंड अवॉइडिंग जब मिसरी एंड पेन आर क्या है इनहेरेंट इन नेचर यानी कि नेचर के अंदर ह्यूमन नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली उसने इनहेरेंट माना है और यहाँ पर होब्स क्या कहते हैं वो एब्सोल्यूटिज्म है उसका क्या है वो एक सपोर्टर है ठीक है और थॉम्स होब्स की जो थ्योरी है वो क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल वो क्या है एक प्ली है किसकी सपोर्ट द एब्सोल्यूट सोवरन और क्या है कि ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन द ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर जो सिविल वॉर की जो हुई थी उस दौरान जो थॉम्स होब की जो थ्योरी थी वो किसकी सपोर्ट में आ गई थी वो मोनार्क की सपोर्ट में आ गई थी ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर ये ही कहा गया है और यहाँ पर होब्स क्या कहते हैं ये है जो स्टेबल और सिक्योर गवर्नमेंट है उसके स्पोर्ट में है जो स्टैंड अप करते हैं यानी कि और जो इंडिविजम है मेटरिज्म है यूटिलिटेरियनिज्म है और एब्सोल एब्सोल्यूटिज्म है ये सारे के सारे क्या है इंटरबोन है इन द थ्योरी ऑफ द की थ्योरी में सारी चीजें हैं इसके बाद में आते हैं जॉन लोग जॉन लोक क्या कहते हैं ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या है स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ नेचर क्या थी एक गोल्डन एज थी ठीक है उनके अकॉर्डिंग वहां पर केवल ओनली जो प्रॉपर्टी वो क्या थी इनसिक्योर थी तो इसके लिए वो क्या करते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हैं जिसके अंदर किसके लिए करते हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए जिसमें वो अपने सारे के सारे राइट वो सरेंडर नहीं करते बल्कि उसका कुछ जो पार्ट है वो सरेंडर करते हैं और वो किस लिए सरेंडर करते हैं टू मेंटेन द ऑर्डर एंड टू एनफोर्स द लॉ ऑफ नेचर यानी कि लॉ ऑफ नेचर को मेंटेन करने के लिए या उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो अपने सारे के सारे राइट हैं वो उनको सरेंडर नहीं करते बल्कि उनका कोई पार्ट है वो उनको सरेंडर कर देते हैं किसको वो करते हैं सोवरन को यहाँ पर या फिर गवर्नमेंट को इसके अलावा उसकी जो तो थ्योरी है जॉन लॉक की वो किसको सपोर्ट करती है फॉर द इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए और जो लॉक की थ्योरी है वो क्या है कॉन्ट्रेड ये टू दब यानी कि होब्स की थ्योरी से वो थोड़ी सी अलग है उसके कॉन्ट्रेरी है यहाँ पर जो लॉक की थ्योरी है वो लिबर्टी को सपोर्ट करती है जबकि जो होब्स की थ्योरी है वो क्या अथॉरिटी को सपोर्ट करती है, है। यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी कहें या सोवरन की अथॉरिटी कहें उसको सपोर्ट करती है जो यहाँ पर लॉक की थ्योरी में क्या कहा गया है कि सोवरन है वो शुड में लिमिटेड होना चाहिए जबकि होब्स की जो थ्योरी है उसमें यहाँ पर इसको लिमिटेड नहीं माना गया है और लॉ की थ्योरी में जो इंडिविजुअल है वो इस एबल होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट कब या और उसको ओवर थ्रू कर सके कब जब अगर गवर्नमेंट है वो एबल नहीं है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उस केस में उसके पास प्रोटेस्ट का राइट होना चाहिए इस चीज को यहाँ पर है लॉक की थ्योरी में कहा गया है उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जीन जैकेट ये क्या कहते हैं नेचुरल लॉ के बारे में तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और नेचुरल लॉ थ्योरी है नेचुरल लॉ है इन्होंने इस जूड़ से एक नया ही इंटरप्रिटेशन है वो रिसीव किया है इनके अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वो क्या है इट हिस्टोरिकल फैक्ट ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बट की हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन यहाँ पर रीजन की हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन माना है और यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो इस थ्योरी से पहले है मैन है वो बहुत हैप्पी था और फ्री रहता था एंड देयरफॉर वाज इक्वली थे सारे के सारे मैन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई तब क्या है मैन है यूनाइटेड रहने लग गए फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी यहां पर लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया एक सोसाइटी क्रिएट करनी शुरू कर दी और उन्होंने यहां पर जो है अपने राइट है वो सरेंडर कर दिए किसको नोटेड टू ए सिंगल सोवरन यहाँ पर इन्होंने सिंगल सोवरन को सरेंडर करने के लिए नहीं कह बट टू तो कम्युनिटी और उस कम्युनिटी को जो है इस जुरिस ने क्या नाम दिया है वो नाम दिया है जनरल विल यानी कि जनरल विल थ्योरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है इन्होंने इसके अंदर है जो वो अपने सारे के सारे राइट है वो सिंगल सोवरन को न सरेंडर करके के एक कम्युनिटी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं आई होप कि आपको रोसेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा नेचुरल लॉ के बारे में उसके बाद में आती है मॉडर्न पीरियड मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या कहता है नेचुरल लॉ के बारे में कौन कौन से हैं इसके बारे में क्या कहते हैं तो इसमें लॉ के, तो के लिए यहाँ पर इस पीरियड को सेंचुरी को <laughs> इस सेंचुरी के अंदर जो है नेचुरल लॉ थ्योरीज हैं ये हैं एक तरह का डिक्लाइन सफर्ड करने लगी यहाँ पर जो नेचुरल लॉ। थ्योरीज हैं वो डाउन जाने लगी और यहाँ पर इस टाइम में जो नेचुरल लॉ थीज थी इसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस हैं कम कहें या ज्यादा कहें जैसे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल पोल्टी, है वो यहाँ पर जो अलग अलग चेंजेस हैं वो आने लगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए कुछ डेवलपमेंट हुई इन द सोसाइटीज या स्टेट्स के अंदर तो उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिकल और जो कंक्रीट सोल्यूशन है उसके ऊपर है जो ज्यादा डिमांड है वो बढ़ने लगी बाय द न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट के थ्रू अब जो मॉडर्न स्कैप्टिसिजम्स हैं वो क्या करते हैं वो प्रचार करते हैं कि देर इज अ नो एब्सोल्यूट एंड ल्यूट अनचेंजेबल प्रिंसिपल वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल प्रिंसिपल नहीं है वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो जो एक प्रायरी मेथड है नेचुरल लॉ फिलोसफर्स का वो क्या हो गया था अनएक्सेप्टेबल हो गया इन दमेजिंग आईज ऑफ दिस साइंस यानी कि साइंस जैसे जैसे डेवलप हुई वैसे वैसे इस जो ए प्रायरी मैथड है उसको अनएक्सेप्टेबल करार कर दिया गया वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो हिस्टोरिकल रिसर्चर है उन्होंने सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी को एक मिथ घोषित कर दिया यानी कि उनको एज ए मिथ के तौर पर डिस्क्लोज कर दिया तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है नेचुरल लॉ का डिक्लाइन चल रहा था वहीं पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच की तो वो क्या है कि स्टडी ऑफ लॉ को एक मोर रियलिस्टिक तरीके से और जो नए नए जुरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने लगी यानी कि ज़्यादातर जो जुरिस्ट थे वो हिस्टोरिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच पर फोकस करने लगे तो इस जो चेंजिंग क्लाइमेट था ऑफ थॉट्स यानी कि थो, क्लाइमेट ऑफ थॉट था वो चेंजड हो रहा था उसी दौरान है उस टाइम में जो नेचुरल लॉ है थ्योरीज हैं उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो गया और इस तरह से वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाने लगी तो इस तरह से यहां पर नाइनटीन सेंचुरी को यहां पर टू द नेचुरल लॉ कहा जाता है। आई होप कि आपको होपोन सेंचुरी आप देखते हैं ट्वेंटिय सेंचुरी के अंदर क्या आता है कि एक बार फिर से नेचुरल लॉ है वो रिवाइवल की तरफ से आता है यानी कि रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ यहां पर आता है फिर से जो है जूस नेचुरल लॉ की तरफ आकर्षित होने लगे अट्रैक्ट होने लगे जैसे जैसे उन्हें पता चला भी नेचुरल लॉ के बिना या इन एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल अप्रोच में ये ये कमियां हैं सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो वो फिर से है जो नेचुरल लॉ को दोबारा रिवाइव करने लगे तो ये जो रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ है इसकी थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्योंकि आज की ये जो वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और आई थिंक रिवाइवल ऑफ़ नेचुरल लॉ भी एक अलग टॉपिक है इसके साथ में नेचुरल लॉ के इस इस टॉपिक के साथ में भी है लेकिन इसको अलग से भी किया जा सकता है तो इसलिए हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो आप उसके लिए तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अगर हाँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यार थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग